लेकिन ये राधा कृष्ण का विवाह क्यों हुआ, इसमें दो शर्तें थी। और दो शर्तें क्या थी? इधर राधा रानी भी बचपन से कभी कभी ये जिद कर जाती थी अपनी मां से, मां मैया अगर मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। मचल गए कृष्ण और बोले मैया राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से तीसरा दिन है, सूर्य अस्त होने जा रहे लेकिन राधा रानी महलों से नहीं निकल रही है। इधर भगवान कन्हैया ने माया फैलाई तो ब्रजभान के महलों में जितना जल था, ध्यान मेरी तरफ देना मातो बहनों भाई बंधु, ब्रजभान के महलों में जितने घड़े रखे हैं जल के वो सारे घड़े जल के सुखा दिए हैं, एक भी जल की बूंद घड़ों में नहीं, सारे घड़े खाली। ब्रजभान की पत्नी सूत कीर्ति ने कहा बेटी राधा, राधा रानी। बोली हां भैया। बोली सारे घड़े खाली हो गए, जल की बूंद नहीं है, कृषि का कार्य कैसे हो, भोजन कैसे बने, एक घड़ा लेकर जा। यमुना रानी कालिंद्री विश्राम घाट से एक घड़ा जल भर के लिया। राधा रानी से जब ये कहा तो राधा रानी बोली मां मुझे आज ना भेजो। बोले क्यों? बोले आज हमारी और कन्हैया छलिया की शर्त लगी है, अगर हम जल भरने महलों के बाहर गई और हमें मालूम है कि वो नटखट कन्हैया मेरे जैसा राधा बनकर आया हमसे पहले और तुम्हें अगर भर दिया, तुमने ना पहचान पाया, मेरी पिटाई कर दी तो मैं हार जाऊंगा। राधा की मां सुत कीर्ति ने कहा नहीं बेटी, जरा मेरे पास आ, हम तेरा श्रृंगार करके तुझे सजाकर अपने हाथों से भेजूंगी, जब तेरा श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूंगी तो वो काना कितना भी तेरे जैसा रूप बनाकर आएगा, श्रृंगार में कहीं न कहीं कोई त्रुटि गलती में जान लूंगी, पहचान जाऊंगी ये मेरी राधा नहीं है। आहा, आज राधा रानी को राधा की मां ने बड़ी प्रेम से तैयार किया। श्रृंगार करने के बाद जैसे ही सिर पर एक मटकी, मटकी ऊपर मटकी रखी, एक हाथ में छड़ी पकड़ाई और कहा जा बेटी जल भल्ला। इधर राधा रानी महलों से बाहर जा रही, ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करना। और जैसे ही कालिंद्री विश्राम यमुना के तट पर चली हैं, उधर कन्हैया भगवान श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। कन्हैया ने नजर डाली, बोले जय हो राधा, तू महलों से बाहर हो गई तो समझ ले शर्त हार गई, अगर महलों के बाहर ना होती तो मैं हार जाता, लेकिन तू महल के बाहर आ गई तो समझ ले शर्त हार गई। तो पहले तो भगवान कन्हैया ने राधा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, जहां पर जैसा जो भी श्रृंगार था बिल्कुल टू कॉपी वैसा कन्हैया ने अपना श्रृंगार बनाया। हाँ माथे बेदा लगाई लियो सुरमा समरिया ने आंखों में, माथे बेदा लगाई लियो सुरमा समरिया ने आंखों में, बिल्कुल टू कॉपी भगवान कृष्ण खुद राधा बने, है ना, जहां पर जैसा श्रृंगार जैसे वस्त्र बिल्कुल राधा बन करके, सिर पर घड़ा, घड़ा के ऊपर घड़ा और जैसी छड़ी राधा पकड़े वैसी छड़ी जल भर करके ब्रजभान के महल के दरवाजे पर आवाज लगाई, एरी मैया घड़ा उतरवाओ, बहुत वजन है। राधा की मां सुत कीर्ति ने सोचा कि आज बेटी राधा बहुत जल्दी जल भर ले आई, जैसे ही दरवाजे पर निकली तो देखा कि वास्तव में राधा, लेकिन राधा नहीं है, कौन है, नटखट भगवान कृष्ण राधा। मां मैया मां जल्दी खड़ा उतरवा बहुत वजन है, राधा की माने भगवान कृष्ण जो राधा बने हैं उनके घड़ा उतरवा। अंदर पहुंचे राधा बने मायापति,
कन्हैया बोले माँ माँ, बोले हाँ बेटी राधा, बोले वो नटखट कन्हैया बिल्कुल हमारे जैसा राधा बना हुआ और मेरे पीछे ही आ रहा है, ऐसा मत करना कि हमें भूल जाओ और मेरी धुनाई कर दो। राधा की माँ ने कहा बेटी तू चिंता न कर, मैंने तेरा श्रृंगार अपने हाथ से किया था, मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी राधा है, आने दो छलिया को। कन्हैया की बात जब तब तक क्या हुआ भक्तों, ब्रशुहान की लली राधा जल लेकर के घड़ा दरवाजे पर आवाज लगाई, एरी मैया घड़ा उतरवाओ बहुत भजने। कन्हैया राधा बने अंदर बैठे, बोले माँ मैया देखो अब तो उसने मेरी जैसी आवाज भी बना ली, एक लंबी सी लकुटिया राधा की माँ को पकड़ा दी और आगे आगे सुतकीर्ति, पीछे कन्हैया राधा बने। जैसे ही सुतकीर्ति महल के बाहर दरवाजे पर पहुंची तो अब सुतकीर्ति भी आश्चर्य में, क्योंकि आगे देखें तो राधा और पीछे देखें अब यही नहीं समझ पा रही कि मेरी बेटी राधा कौन है। पीछे कन्हैया राधा बने खड़े, धीरे से माँ का साड़ी पल्लू पकड़ा, बोले माँ मैया माँ हमें लग रहा तू हमें भूल रही है। और आगे राधा जो खड़ी थी वो धरदत दाती, पीछे देखो नटखट माखन चोर बिल्कुल मेरे जैसा बनकर मेरी माँ को किस तरह से भ्रमित कर दिया। पीछे से कन्हैया बोले माँ मैया इस नटखट कन्हैया को पकड़ लो और एक जंजीर से बांध दो। राधा की माँ सुतकीर्ति ने अपनी ही बेटी राधा को लेकर के महल के एक खंभे से जंजीर से बांध दिया। अरे ऐसा कौन होगा इस ब्रह्मांड में जो मेरे मायापति के माया से मोहित न हो जाए। जंजीर से महलों के खम्भे से बांध दिया। इधर भोजन बना है, भोजन बनने के बाद बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण थाल में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, एक ग्रास उठाते हैं, राधा बंदी हैं, राधा की तरफ करते हैं, राधा भोजन करोगे बहुत स्वादिष्ट है अपने मुंह में रख लें। राधा बड़ा परेशान, सुतकीर्ति गृह कार्य में लगी। कन्हैया राधा बने राधा के पास पहुंची और कहा राधा, कहो राधा शर्त हार गई, मैं जीत गया कि नहीं। राधा मुस्कुरानी और बोली श्याम क्या पूछ रहे हो कि मैं शर्त हार गई? नहीं नहीं, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शर्त मैं जीती हूं और आप हारे हो। बोले क्यों? राधा रानी बोली ये मेरी ताकत है जो आपको हमने नर से नारी राधा बना करके अपने महलों में आपको बुला लिया है, जिनके चरणों के रज के लिए योगी योग लगाते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, योगी योग धारण करते हैं और आपके चरणों की रज नसीब नहीं होती है। आज राधा रानी कितनी सौभाग्यशाली है जो तुम्हें आज नारी बनाकर राधा बनाकर के मैंने अपने महलों में बुला लिया, और क्या पूछने में हार गई, मुझसे बड़ी तो कोई जीत ही नहीं किसी की। कन्हैया की लज्जा से गर्दन नीचे झुक गई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी, धन्य है राधा। इसीलिए क्या कहा गया, राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, और तीन लोक चौदह भुवन है तेरे अधीन। जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का चौदह भुवनों का जो मालिक है, वही आज ठाकुर जी तेरे यहां राधा बना हुआ भोजन कर रहा है। यह बात सुनकर के भगवान कन्हैया की लज्जा से गर्द नीचे झुक गई, राधा वास्तव में तूने मुझे पराजित कर दिया। तत्क्षण उसी क्षण भगवान भरत ने कहा राधा जाओ मैं शर्त हार गया, जीत तुम्हारी हुई है, हम तुमसे पाणि ग्रहण करूंगा। तत्क्षण ब्रह्मवादिनो अंतर्ध्यानो भव, उसी क्षण ब्रह्म राधा को छोड़कर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले राधा कृष्ण भगवान की एक तो शर्त ये, इसके कारण राधा कृष्ण का विवाह हुआ, दूसरी एक शर्त और है,